अच्छा अभी तक हमने सीखा हमने देखा कि कंटेंट कैसे वर्डप्रेस में ऑर्गेनाइज होता है और उनको हम कहते हैं कैटेगरीज़ हमने आपको बताया कि दो तरीके हैं कैटेगरीज को ऐड करने के बट बिफोर गोइंग एंड एक्सप्लेनिंग दैट थिंग अगेन आई वांट टू डू अ क्विक रीकैप रीकैप क्यों ज़रूरी है ताकि आप थोड़ा सा दोबारा जान सकें देख सकें और सीख सकें कि आपने अभी रिसेंट इस लेसन में क्या लर्न किया था एंड सो यू कैन रिफ्रेश योर मेमरी रिफ्रेशिंग योर मेमरी इज़ वेरी क्रूशल आपको लगेगा कि हम क्यों बार बार आपको वही चीज बता रहे हैं बट द रीजन टू टेल यू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इज सो यू बिकम एक्सपर्ट्स अगर आप एक चीज के एक्सपर्ट बनेंगे ओनली देन यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल फ्री लांसर सक्सेसफुल ऑन्टरप्रनोर एंड अ सक्सेसफुल स्मार्ट वर्कर सो लेट्स लेट्स गो डीप वर्करीप लेक री कैप वट आर कैटेगरीज कैटेगरीज आर यूज टू डिफाइन सेक्शंस और पोर्शंस ऑफ योर साइट एंड पोस्ट्स को ग्रुप करने के लिए हम कैटेगरीज को यूज़ करते हैं ये बिल्कुल कैटेगरीजी उसी तरह हैं जिस तरह यूजुअल लाइफ में आपको प्रोडक्ट कैटेगरीज नजर आती हैं या जब आप कोई सब्जी लेने जाते हैं तो आपको डिफरेंट सेक्शन और कैटेगरीज ऑफ वेजिटेबल्स नज़र आती हैं दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट एंड वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज कैटेगरीज कैन हेल्प अस ऑर्गेनाइज कॉन्टेंट इन वेज विच अदरवाइज इज़ नॉट पॉसिबल टैग से भी हम ये कर सकते हैं थोड़ा सा और हम वो भी डिस्कस करेंगे बट राइट नाउ आर फोकस जस्ट एंड ओनली कैटेगरीज वर्ड में जब भी आप कोई कॉन्टेंट एड करेंगे इट्स एडिड टू अ कैटेगरी विच इज बाई डिफॉल्ट प्रेजेंट देर इन दैट कैटेगरी इज कॉल्ड अनकैटेगराइज इसको आप सेटिंग्स में जाके बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं एक और बात जो दोबारा मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ pages categories nahi use pages are not defined by categories or pages do not use categories categories is a function that's very specific to posts uh, and as is very evident here this is what the categories page or the category setting uh, basically this is what it looks like to add a category यू नो अगेन डूइंग रिक आप वही करेंगे आप जा सकते हैं कैटेगरी के पेज पे और वहाँ से आप uh, कैटेगरीज के पेज से एक नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं उसमें आप नाम ऐड करेंगे आपकी कैटेगरी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट uh, है जिस तरह अगर कार्स आपकी एक कैटेगरी है सो यू कैन हैव सब कैटेगरीज विच कैन हैव सेपरेट नेम्स लाइक फोर्ड मोटर्स जी एम इवन सुजुकी वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए ये बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव सीखना बहुत जरूरी है कैटेगरी का एक स्लग या एक यू आपको जानना बहुत जरूरी है कि उसका एक लिंक क्या होगा ये आप चेंज भी कर सकते हैं दिस इज वेर यू डिफाइन वॉट द स्लग और द यू आर एल इज पेरेंट कैटेगरीज भी एक ऑप्शन है चाइल्ड कैटेगरीज भी एक ऑप्शन है ये भी आप पे डिफाइन करता है कि आप आ, इसको कैसे डालना चाह रहे हैं क्यों डालना चाह रहे हैं दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू योर ऑब्जेक्टिव

और ये डिस्क्रिप्शन आपको फ्रंट पेज पे नजर भी आएगी जब आप कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे एंड वी विल शो यू दैट लाइव कुछ क्वेश्चंस जो आपके शायद जहन में भी आए व्हाट कैन आई डू विद इन कैटेगरीज आप कैटेगरीज के अंदर क्या कर सकते हैं कैटेगरीज के अंदर यू कैन पुट सेक्शन वाइज कॉन्टेंट वो अनदर क्वेश्चन दैट माइट कम टू योर माइंड इज कैन आई एड कैटेगरीज विद इन कैटेगरीज आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू एंड दैट न्यूज इज के आप कैटेगरीज के अंदर भी कैटेगरीज डाल सकते हैं और इनको हम कहते हैं नेस्टेड कैटेगरीज इस पर जाके गूगल पर थोड़ा सर्च भी कीजिएगा पेरेंट चाइल्ड कैटेगरीज भी इसको कहा जाता है कि नेस्टेड हैटेगरीज भी कहा जाता है उसके अलावा आपके जेन में शायद एक क्वेश्चन हो कि क्या आप कैटेगरीज का जो यू आर एल है वो रिमूव कर सकते हैं लिंक सो so, ये भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं एंड वी विल टीच यू हाउ टू यूज अ प्लग इन विच यू कैन डू दैट कैन आई रिमूव कैटेगरीज फ्रॉम होम पेज there is a plugin called ultimate category excluder which will help you do that can i add an image to a category page a featured image we app category made also we will teach you how to do that with a plugin or last but not the least very important question can i add categories to pages yes and no no is because by default this option or feature is not available to you on wordpress येस इस लिए बिकॉज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ प्लगेंस यू आर एबल टू एड कैटेगरीज टू पेजेज इज़ वेल नाउ यू आर गोइंग टू एड कैटेगरीज ऑन आर वर्ल्ड प्रेस साइट बट वी विल डू दैट थ्रू पोस्ट एंड यू विल ऑल्सो एड कैटगरीज टू आर पेजेस यू विल ऑल्सो सी के वर्ल्ड प्रेस में कैटेगरीज यू आर एल कैसे निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाह रहे हैं और हम देखेंगे कि फ्रंट पेज से हम कैटेगरी को एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं लेट्स लॉग ऑन टू डी जी स्किल्स वेबसाइट जो मैंने बनाई हुई है जो आपको याद है जिसपे आप मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं बाद में वी विल इनेबल अ लाइव क्वेश्चन आंसर फीचर ऑन दिस साइट एज वेल सुन एज आई लॉग इन लेफ्ट पे आप देखेंगे कि पोस्ट में कैटेगरीज का सेक्शन आ रहा है जस्ट टू गिव यू अ क्विक क्रिक यू विल गो टू कैटेगरीज यू कैन सी समटेगरीज वी रिसेंटली बिल्ट बट वी वॉन्ट टू एड न्यू कैटेगरीज एक कैटेगरी यहाँ पे है पाकिस्तान के नाम से आई थिंक पाकिस्तान शुड हैव हंड्रेड मोर कैटेगरीज वाई बिकॉज पाकिस्तान इज़ ब्यूटिफुल पाकिस्तान इज आर कंट्री पाकिस्तान इज वट जो हमारी एक प्रोग्रेस की निशानी है और हम इसके लिए काम करें सो लेट्स सी हाउ मेनी मोर कैटेगरीज आई कैन क्विकली एड टू पाकिस्तान सो आईल एड लाहौर और इसकी मैं पेरेंट कैटेगरी रखूंगा पाकिस्तान आई एल एड इट ऐड होगी राइट पे जैसे आप देख रहे हैं आई एल ऐड इस्लामाबाद पेरेंट कैटेगरी की भी मैं पाकिस्तान रखूँगा वो भी ऐड हो गया है आई एल ऐड कराची पेरेंट कैटेगरी अगेन पाकिस्तान है कराची भी ऐड हो गया आई एल ऐड कोटा एंड आई विल ऐड पेशावर तो so, जो नेस्टेड कैटेगरीज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था यू कैन सी कि ये सारी कैटेगरीज पाकिस्तान के अंदर नेस्टेड है वाई बिकॉज पाकिस्तान इज द बिगर कैटेगरी पाकिस्तान इज अ कंट्री एंड उसके नीचे देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिटीज एंड द प्रोविंशियल कैपिटल्स सो एनी वन ऑफ यू एंड दिस इज अ चैलेंज टू यू हु आर दोंग पाकिस्तान की अभी तक कोई इस तरह की रिपोर्टिटी एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें हर सिटीज का डेटा हो Uh, there is wikipedia but wikipedia is not a pakistani website can any one of you who is watching this right now build a project just Pakistan's pakistan se related information ho, just like i have added categories here so what we will also do is we will go to a new post and this post is about sialkot sialkot is a city i love i have a few friends from sialkot Kuch, those things from sialkot belong to i think जो एक दुनिया में तहलका से सयालकोट ने मुझाया वो है इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉल दैट इट क्रिएट्स फॉर ऑफिशियल फीफा वर्ल्ड कप तो हम इस कैटेगरी को ऐड करते हैं और यहाँ पे कंटेंट लिखते हैं कि सियालकोट इज नोन फॉर द फुटबॉल ऑफ द वर्ल्ड और उस सियालकोट फुटबॉल की एक तस्वीर मैं आपके सामने गूगल भी करूँगा ताकि मैं उसको इमेज के तौर पर ऐड भी कर सकूँ इट्स अ ब्यूटिफुल फुटबॉल इट्स कॉल्ड ब्रजुका आप इसको सेव करूंगा मैं और मैं इसको इमेजेस में यहाँ पे ऐड भी कर दूंगा अब जैसे ही मैंने इमेज यहाँ पे ऐड किया पहले तो इसका मैं साइज चेंज करूँ और ये कुछ आपकी रेपिटेशन है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी आ, वो फीचर्स हैं जो अभी तक शायद आपने एक्सप्लोर नहीं किया आई एम गोइंग टू एड अ न्यू कैटेगरी विच इज कॉल्ड कोट एंड आई एम गोइंग टू एड दिस इन अ पेरेंट कैटेगरी और पाकिस्तान दी आई एम गोइंग टू पब्लिश और होम पेज पे अब आप देख सकते हैं कि सियालकोट के नाम से एक पोस्ट है जो एडिड है और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे सियालकोट से नाम एक कैटेगरी आ गई है अब आपका क्वेश्चन होगा कि बाकी यहाँ पे कैटेगरीज क्यों नहीं नजर आ रही सो यू कैन सी दी अदर कैटेगरीज बिकॉज उन कैटेगरीज में पोस्ट ही नहीं है दे हैव ज़ीरो पोस्ट एक और चीज़ जो मैं आपको जल्दी से सिखाना चाहूँगा इज टू एड अ प्लग इन

एंड शो यू कि अब मैं सियालकोट पे क्लिक करूंगा तो कैटेगरी लिखा नहीं आ रहा तो बिकॉज कैटेगरी लिखा नहीं आ रहा इज बिकॉज हमने वो प्लग इंस्टॉल किया अगर वो मैं प्लग डिसेबल कर दू और मैं इसको रिफ्रेश करूं इस कैटेगरी पेज को तो यू विल नोटिस अ चेंज एंड दैट चेंज इज के कैटेगरी इन द यू आर एल इज बैक तो ये एक फीचर uh, है एक टिप है जो आप यूज कर सकते हैं एक uh, और प्लग इन में इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आपको जिसका नाम है कैटेगरी और पेजिस तो इस प्लग इन के थ्रू यू विल बी एबल टू एड कैटेगरीज टू पेजेस जो कि वैसे

और किस तरह से आप कैटेगरीज को थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं कुछ और प्लग का हमने ज़िक्र किया लेकिन उनको हम अपने लाइव इसमें ट्राई नहीं कर सके प्लीज़ डू ट्राई दैम वील शेयर द लिंक्स विद यू एंड लेट्स वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ वेरी रोबस्ट सिस्टम ऑन वर्ड प्रेस थ्रू विच यू कैन गेट सक्सेसफुल एंड वी ऑल कैन गेट सक्सेसफुल